विवादों में घिरी सेक्टर 93 बी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में आज से प्राधिकरण का बुलडोजर चल सकता है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सोसाइटी के लोगों को अवैध निर्माणों को हटाने के लिए दिया गया अल्टीमेटम का समय गुरुवार शाम को पूरा हो गया, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने अभी तक अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए हैं। नोएडा प्राधिकरण के ACEO प्रवीण कुमार मिश्रा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगर सोसाइटी वालों ने अपने अवैध निर्माणों को नहीं हटाया तो उसे बलपूर्वक पुलिस की सहायता से हटा दिया जाएगा। इस बीच ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन और धरना करने के मामले में मांगेराम त्यागी सहित 70 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने और भय व्याप्त करने का मामला दर्ज किया गया है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में देर रात तक बैठक और मंथन का दौर जारी रहा। प्राधिकरण की घोषणा के बाद से ही फ्लैट मालिकों को डर बना हुआ है। सोसाइटी के निवासियों की देर रात तक बैठक चली, इसमें AOA के पदाधिकारी भी शामिल हुए, लेकिन उनका कहना है कि नियम कानून के बाहर कोई भी निवासी नहीं जा सकता है। इसके पहले दिन सोसाइटी के AOA पदाधिकारियों व नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने लोगों से खुद अतिक्रमण तोड़ने की अपील की। तर्क दिया कि प्राधिकरण की ओर कार्रवाई किए जाने पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माणों का विवाद वर्ष 2019 से चला आ रहा है। इस दौरान नोएडा प्राधिकरण ने सोसाइटी में किया अवैध निर्माणों का सर्वे करने के बाद 93 फ्लैट ओनर्स को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन यह मामला बाद में ठंडे बस्ते में दबा दिया गया। किसी भी फ्लैट पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीकांत के घर के सामने लगे पेड़ को हटाने के बाद जब उसका अवैध निर्माण तोड़ा गया तो श्रीकांत के पक्ष में खड़े समाज के लोगों ने इसे मुद्दा बना लिया। इसके बाद सोसाइटी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्राधिकरण ने कमर कस ली है। इस बीच ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन और धरना देने के मामले में मांगेराम त्यागी सहित 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। फेज 2 थाना पुलिस ने इस मामले में मांगेराम सहित 6 लोगों को नामजद किया है। आपको बता दें, शहर में 105 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है। इनके अलावा अन्य सोसाइटी को मिलाकर इनकी संख्या 500 के आसपास पहुंच जाएगी। हर सोसाइटी में फ्लैट वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में ओमेक्स सोसाइटी में कार्रवाई का निर्णय होने पर अन्य सोसाइटी से भी इस तरह की कार्रवाई किए जाने की मांग उठने लगी है। दिनांक 27 और 28 सितंबर 2022 को मांगेराम त्यागी और उनके कुछ समर्थकों द्वारा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना विधिवत नहीं था, ना ही इसकी कोई अनुमति ली गई थी। इस संदर्भ में थाना फेज 2 पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। मैं रीजनल CEO नोएडा अथॉरिटी आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज शिकायत प्राप्त हुई थी कि त्यागी जी के हाथ से जो पौधे अतिक्रमण के रूप में यहाँ हटाए गए थे पहले, उसको दोबारा लगा दिया गया, और उसी शिकायत के क्रम में हम और हमारी टीम यहाँ आई थी। यहाँ एक पौधा भी गिराया और परिवार का विरोध शुरू हुआ। विरोध के ग्राउंड में एक ग्राउंड ये भी था कि अन्य और भी अतिक्रमण करता है यहाँ पर है, जिनके द्वारा अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है और उनका भी अतिक्रमण हटना चाहिए। संपूर्ण चीजों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और कुल 48 घंटे का समय यहाँ उपस्थित अन्य लोगों को भी दिया जाता है, क्योंकि उनको भी पहले पूर्व में नोटिस दी गई थी कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, और इस परिवार को भी अवगत कराया जाता है कि 48 तक निर्देशित किया जाता है कि 48 घंटे के अंदर अपना अतिक्रमण हटा दें, वरना प्राधिकरण को पुलिस बल के साथ जबरन अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।